वर्तमान में हम अयोध्या के कार सेवकपुरम में हैं और यहाँ पर एक ताला जो है वह कौतूहल का विषय बना हुआ है। यह ताला जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आया हुआ है और अलीगढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश में अपने ताले के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यहाँ पर यह ताला जो है इसका वजन 405 किलो है चाबी को मिलाकर। अगर चाबी के वजन की बात करें तो यह 30 किलो की है और इस ताले का खबर आप साल भर से पहले से देख रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ के दंपत्ति ने इसको बनाया है जिनकी उम्र जो है 80-85 से ज्यादा थी। उनका नाम जो है सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मिणी शर्मा है और इसमें से जो सत्य प्रकाश शर्मा है उनका देहांत हो चुका है और उनकी इच्छा थी कि इस ताले को बनने के बाद जो रामलला मंदिर बन रहा है नया वाला वहां लगाया जाए। इस ताले की हाइट की बात करें तो संभवतः यह 10 फीट का है और इसके चौड़ाई की बात करें तो 4.5 फीट की है और साथ ही साथ ये कंफर्म नहीं है मुझे कि किस धातु की बनी है, लेकिन ये ताला जो है इन्होंने बना के इनको डोनेट किया था जिनका नाम श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज है, अध्यक्ष है ये अखाड़ा परिषद यंग माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के। उनकी प्रिय शिष्या जो है महामंडलेश्वर है डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी जी यंग महंत माँ बगला मुखी मंदिर हरिगढ़ द्वारा ये संभेद जो है दिया गया है। अभी इनसे हमने बात किया तो ये यहाँ नहीं है, नहीं तो इनसे भी बात करते और पता चल रहा है कि जिन्होंने इनको बनाया है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसको उतारने और चढ़ाने के लिए कहीं ले जाने के लिए आपको मशीनों का जो है प्रयोग करना पड़ता है। चाबी जहाँ लगेगी उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितनी बड़ी इसकी जो है वो चाबी लगाने वाली दी गई है। बाकी यहाँ पर जो कार सेवकपुरम में जो लोग भी आ रहे हैं इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और मैंने पहले ही बोला कि ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। बाकी ये चाबी का थोड़ा सा आप शेप दिखा दीजिए, कितने बड़े इसमें जो घाट बनाए गए हैं वो काटे गए हैं और ऊपर जो ताला जिसमें वो फंसाया जाएगा वो कितना मोटा है। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत चीज है। ताले के अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा 2400 किलो का घंटा आया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर 3610 किलो की अगरबत्ती भी आई है और जिसकी लंबाई 108 फीट है। बाकी इस पूरे खबर पर, इस पूरे ताले पर जो अयोध्या में पवित्र ताला पहुंचा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।